हेलो, व्हाट? हेलो हेलो हेलो, What? मर्डर Where? इन आवर अपार्टमेंट, Which house? हाउस नंबर 11। The bachelor one? यस, I told you 100 times. Don't let any bachelor in. Now, police, murder, case. I don't care. Now you take care of this thing. You just shut up. Raji, the investigation. Hey, no visitors. Visitors? Hey, who do you think you are, you giant man? Huh? We are the owners, okay? Owners? No, no, yeah. No. We are the tenants. But of house number 11. 11. Nice. Tell good people, guys. Treatment is waiting inside. Karen. Hey. Let's go up to that. Karen. Sir, why so many people inside, sir? Party. Come Party! On. सर, ये लोग यहीं रहते हैं। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? डेविड सर। सोनम। कितने साल से रह रहे हो यहाँ पर? सर, 3 साल से। सिक्योरिटी का खून हुआ है, तुम्हें मालूम है ना? हाँ सर। क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? कुछ नहीं सर, जस्ट जानते हैं बस। ये खून तुमने किया है ना? सर, नो सर, कुछ नहीं किया सर। करवाया? नो सर, नो सर। तुम सिगरेट पीने का शौक है तुम्हें? नो सर, नो। तो ये क्या है? मैडम, सेम ब्रांड। ये सिगरेट कहाँ मिलता है? यही सामने दुकान में। ठीक है, चाय वालों को लेकर आओ। आप इन लोगों को पहचानते हो? नहीं। बोल। नहीं साहब, मैं इनको नहीं जानता हूं। बोल, बता, सोच के बता, याद कर ना। नहीं मन, नहीं मन। पता है, सिक्योरिटी का खून हुआ है और तुमने खूनी का साथ दिया है। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता उस साथ। मैंने नहीं किया। हाँ, ये लोग, मुझे याद आ रहा कि बाद में ये लोग भी आए थे अपार्टमेंट से। वो लोग कहा वॉचमैन से कि चाबी सिक्योरिटी बॉक्स में डाले थे और कहीं जाने का बात कर रहे थे शायद। हाँ, वाटर पार्क, बस उतना ही मालूम है मुझे। मैडम, इट्स कंफर्म है। याद है? यस मैम।
जब भी जरूरत पड़ेगा हम बुलाएंगे, आपको आना ही पड़ेगा, शहर छोड़ के कहीं मत जाना। देखो क्या क्या हो गया। Who wants all these things? मैं चाहता था क्या? जो होना था वो हो गया। We have to face it now. देखो मैडम आ गई। मैडम उस केस का क्या हुआ? ओ कुनी बहुत होशियार है, उसने कोई एविडेंस छोड़ा नहीं है। Mom, what next? आप इन दोनों को पहचानते हो? ध्यान से देखो, ये दोनों ही कुनी है। मैडम, चाय वाला ने इन दोनों को देखा था। कब? मैडम, जिस दिन खून हुआ था, उसी दिन इन दोनों ने सामने वाले चाय के दुकान में चाय पीकर सिगरेट लेकर गए थे। तो ये साबित होता है कि इन दोनों ने ही खून किया है। So we are in search of them. मैम, मेरे पास उनकी गाड़ी का नंबर है KA056565। ठीक है। हमें किसी पेट्रोल बंक का CCTV देखा तो हमें पता चलेगा। Yes, move. गरीब खानदान से हूँ मैम, और मेरा बाप यानी मेरे पापा वो भी बीमार है मैम। मेरे माँ वो भी घरवाली काम करते है, दीदी है विधवा है, मेरे बहन है, शादी होना चाहिए। मैं चोर हूँ मैम, चोर का अच्छे कपड़े नहीं है मैम मेरे पास, देख अच्छे कपड़े नहीं है। क्या करो, मैंने किया मैम, उन्हें किया है कोनी, मैंने किया, मैंने उसका साथ दिया, पैसे के लिए कुछ भी करता हूं मैम, कुछ भी करता हूं मैं, मैं सब कुछ, मेरे सब कुछ मेरे मजबूरी से किया। हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि इसने खून किया है, खूनी का साथ दिया है। ये बड़ा जुर्म नहीं किया है, पर मैम इसको सजा मिलना ही चाहिए। तुमने खून नहीं किया है, लेकिन तुमने खून करने वाला का साथ दिया है, इसलिए तुम्हें सजा होना ही चाहिए। तुम्हारे पिताजी तो एक्स होम मिनिस्टर है ना, ना पैसे की कमी ना फैसिलिटी की कमी, फिर क्यों किया ऐसे? सर आप गलत समझ रहे हैं, मेरे पिताजी एक ईमानदार पॉलिटिशियन है, पूरी जिंदगी सिर्फ ईमानदारी से काम किया है, न रिश्वत लेते न रिश्वत लेने देते किसी को। मैं एक एम्बिशियस आदमी हूं, मुझे पैसे चाहिए, मुझे अपने लिए चीजें चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए मुझे। तुमने क्या पढ़ा है? मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की है। तुम कुछ और काम कर सकते थे, तुमने यही रास्ता क्यों चुना? काम ढूंढ ही रहा था मैं, लेकिन फिर मुझे ये रास्ता दिख गया और मैंने देखा मुझे पैसे मिल रहे हैं, मेरी सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं, तो फिर क्यों नहीं? एक काम कब शुरू किया? इतनी आसानी से काम मिल जाता है क्या? क्या करूं पैसे के लिए मैं? तो फिर मुझे एक दिन अचानक ही ये रास्ता दिखा। तुम क्यों नहीं सोचा ये गलत रास्ता है? आपके सही और गलत से मेरे एम्बिशंस पूरे हो सकते हैं क्या? इसका नतीजा जानते हो तुम?
नतीजा? नतीजा क्या? एक साल, दो साल? नहीं चाहिए मुझे कुछ पैसे, कुछ नहीं चाहिए। रुक रुक, पुलिस को बुलाऊंगा। ये तुमने जो किया ये कोई छोटा मोटा जुर्म नहीं है, तुम एक खूनी हो। इसको पुलिस के हवाले कर दो।